आज की शुरुआत का, ये जो शुरुआत है आज की, ये बिगनिंग, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बिगनिंग मतलब जो जीवन शुरू होता है तब वो एक नई बिगनिंग है, या फिर जीवन जब खत्म होता है तब भी एक नई जीवन शुरू होती है। द मोमेंट यू डाई, जब भी कोई मरता है, मरने के बाद जो पहला चार मिनट है उस वक्त क्या करना है, और अभी मनीष सोनी को क्या करना चाहिए था, या आप किसी को भी क्या करना चाहिए था। एक बड़ा सिंपल सा एक फैक्ट मैं आपको सामने रख रहा हूँ। एक बात याद रखिए, बिल्कुल क्लियरली याद रखिए, क्योंकि जो स्थिति मनीष की आई है वो बाई चांस की बात है कि वो रूट करते हुए निर्थक आया, फिर मैंने बात किया, फिर व्हाट्सएप से ग्रुप बनाया, फिर उनको बताया डॉक्टर अगर ऐसा बोल देगा तो ये बोल देना, डॉक्टर डरा देगा कि वेंटिलेटर से बाहर हटाओगे तो कुछ भी हो सकता है, हम जिम्मेवार नहीं है, तो तब बोल देना सर आप वेंटिलेटर पर रखिए अगले 10 दिन तक भी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल सुनेगा उनके पास पैसे नहीं है तो बोलेगा बच्चा ठीक है ले जाओ भाई। तो हुआ यही, तो मैंने कहा छुटकारे का ये एक टिप है कि आप बोल दो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो लेकिन मेरे पैसे नहीं है, उधार के मैं सोच रहा था दे देगा, वो उधार वाला गायब हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ इनकी कहानी, लेकिन ये कहानी किसी के साथ भी हो सकती है, राइट। तो पहले बात तो ये आप ना समझें कि अगर आपके पास बच्चे को खिलाने के लिए नहीं है, खिलाने के लिए है ऑलरेडी, तो आपका बच्चा बच्चे से कोई निवाला नहीं छीनेगा या बच्चे को आपसे नहीं छीनेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना ही ये जो मैं तो बोलता हूँ ये रामगढ़ है, रामगढ़ में कभी भी गब्बर आ सकता है किसी भी रूप में, आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो लोग सुरक्षा के रखे गए हैं वो सुरक्षा दिखते हैं लेकिन सुरक्षा करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही क्लियर फैक्ट है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, याद रखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मेडिसिन, उसका अमृत, उसका खाना वो साथ में लेके आता है, वो है माँ का दूध, राइट। तो अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर किसी वजह से बच्चे को मां से अलग करता है तो दैट इज़ ए क्राइम, राइट। जैसे इस केस में हुआ, अगर बच्चा ठीक नहीं है, ठीक होगा या नहीं होगा दो ही चीज़ हो सकते हैं, अगर ठीक नहीं, कमज़ोर नहीं, फिर तो और ज़रूरी है पैदा होते ही बच्चे को इमीडिएटली मेडिसिन की ज़रूरत है, और दैट मेडिसिन इज़ माँ का दूध, इमीडिएटली ज़रूरत है, राइट। और अगर बच्चा पैदा कर पा रही माँ तो वो दूध भी पैदा कर पाएगी ही पाएगी, ऐसा कोई साइंस नहीं कि बच्चा तो पैदा हो गया अब दूध नहीं बन रहा, तो दैट इज़ नॉट अ, वो तभी हो सकता है जब वो हार्मोनल पिल्स बच्चे के पैदा होते उससे पहले माँ को दिया जाए। अगर वो सब नहीं दिया जाएगा तो जितनी दूध बच्चे को चाहिए उतना दूध माँ को बनेगा, तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और सांस लेने की दिक्कत है, ऐसे हो सकता है कई बार, राइट। ऐसे में दो दुनिया का सबसे बेस्ट वेंटिलेटर उतने छोटे बच्चे के लिए है माँ की गोद, राइट। माँ को चिपका के ही रखना है, और बस यही दो फॉर्मूले हैं। और